दोस्तों अभी भी शाम में हमें कहीं दिख नहीं रहा है, वेदांत ने भागा। ओह वाह, व्हाट अ काउंटर देख रहा है वेदांत यहाँ पर, पहला। वाओ व्हाट अ मूव, ओह माय गॉड शार्क, ओह वाओ व्हाट अ काउंटर, व्हाट अ काउंटर। तीनों मिलकर और वाओ, अगेन टीम अप, अगेन टीम अप। दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट विश्वास शर्मा, और आप देख रहे हैं द 38 डूड। तो दोस्तों, जैसे कि आपने 10th एपिसोड में देखा द डिस्ट्रक्शन, या फिर कहें द राइजिंग ऑफ मिस्टर 3M के 10th एपिसोड में आपने जैसे कि देखा कि मैंने गुल्लू को और साथ में द कैप्टन हॉकी और जो भी टीम थी उसकी, उसको खिड़की के नीचे फेंक दिया था ऑफिस बिल्डिंग के, और बहुत ही मज़ा आया था 10th एपिसोड में। अगर आपने 10th एपिसोड नहीं देखा तो आप आई बटन पर टैप करके 10th एपिसोड को देख सकते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा हुआ 10th एपिसोड, और इस तरीके से कैप्टन हॉकी और जो कि रेफरी था, एक फर्जी फेक रेफरी था जो कि इस तरीके से गुल्लू ने भेजा था विश्वास को बिट्टू को हराने के लिए। तो एक तरीके से उन्होंने रिवेंज लिया, विश्वास और बिट्टू ने उन दोनों को और जो ऑफिस की खिड़की से उसके नीचे गिरा दिया गुल्लू को और कैप्टन हॉकी को। और गुल्लू तो काफ़ी चोट आ गई थी उसको, लेकिन वो बैक हो गया, वो बैक वापस आ गया वो फेडरेशन ऑनलाइन में। लेकिन कैप्टन हॉकी जो है उसको काफ़ी चोटें आई थी, और शायद वो जो गुल्लू था वो बच गया था एक तरीके से, वो कहीं बीच में उलझ गया था बिल्डिंग के नीचे, एकदम से नहीं गिरा था वो। और जो कैप्टन हॉकी था वो करीब करीब हॉस्पिटल में गया, उसको पैरालाइज सा हो गया। तो अभी देखते हैं दोस्तों, अगर आपने वेब शोर नहीं देखा तो आई बटन पर टैप करके आप देख सकते हैं, मैंने पहले कह दिया। अगर आपको नहीं पता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ इस चैनल पे, अगर आप नए आ गए इस चैनल पे, तो आप जो मैं अपनी स्टोरी चला रहा हूँ इस चैनल पे, WR3D गेम की स्टोरी चला रहा हूँ, इसका नाम है द राइजिंग ऑफ मिस्टर 3M। आप आई बटन पर टैप करके इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, सारे एपिसोड हिंदी में। फर्स्ट एपिसोड से लेके द राइजिंग ऑफ मिस्टर 3M, जो पहली बार मिस्टर 3M दिखा था, तब से लेके और अभी तक ये सबसे लेटेस्ट एपिसोड भी इस प्ले लिस्ट में है। तो या तो आप मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं इस प्ले लिस्ट को, या फिर आई बटन पर टैप करके आप इस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या होने वाला है। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 10th एपिसोड में कहा था कि जो रेसलर्स हैं, अगर आप अपने जो रेसलर का नाम लिखेंगे अपनी वीडियो के नीचे और मुझे वो रेसलर का नाम या फिर उसकी स्टोरी बैकग्राउंड अच्छी लगी तो मैं उसको लूँगा। तो दोस्तों मैंने तीन जो अपने सब्सक्राइबर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे तीन, उनके रेसलर्स को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, अपने गेम में फीचर कर दिया है। तो उन तीनों के जो रेसलर्स हैं वो या तो इस सीरीज़ में, या तो इस एपिसोड में, या फिर अगले एपिसोड में वो आ सकते हैं। मैंने तीनों के रेसलर बना लिए हैं, तीन रेसलर सिलेक्ट हुए हैं, एक है अभय शर्मा, एक है एस नाथ और एक है वेदांत। तो वेदांत तो मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है वेदांत, तो उसका मैंने रेसलर अभी फीचर किया हुआ है दोस्तों। और जो दो रेसलर्स हैं अभय शर्मा और एस नाथ, यानी कि उसका फुल नाम सुप्रीत नाथ है लेकिन मैं अच्छे से उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एस नाथ रख दिया उसके रेसलर का नाम। तो रेसलर सेलेक्ट कर लिए गए दोस्तों, और अभी जो आपने अगर 10th एपिसोड नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया दोस्तों। मैंने पूछा था कि आप कौन से रेसलर फीचर करवा सकते हैं, और मैंने फीचर कर लिए। आप 10th एपिसोड देख सकते हैं, इसके बाद ही आपको 11th एपिसोड पसंद आएगा या फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या होने वाला है। और मेरे हिसाब से तो आज वेदांत वर्सेस ब्रॉक लेसनर। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर और शाम मम्मी के बारे में एक बात ये भी है कि शायद 9th एपिसोड से गायब हैं ये लोग, 9th एपिसोड में नहीं आए ये लोग शामी मम्मी। और ब्रॉक लेसनर बिल्कुल तो कोई ऐसा पता ही नहीं था कहाँ थे ये लोग, और शामी मम्मी और इसके पीछे मिस्टर 3M और जो एक तरीके से कैप्टन हॉकी या फिर गुल्लू थे, इतने बुरे पिटे इसकी शामी मम्मी और ये लोग चले गए ब्रॉक लेसनर। तो अभी वापस आया ब्रॉक लेसनर, 11th एपिसोड में वापस आया, ना ही 9th में था ना ही 10th में था, 11th एपिसोड में वापस आया। मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अब ये ब्रॉक लेसनर, काफ़ी जिम बढ़िया जिमिंग करके आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वेदांत यहाँ की है, एक डेब्यूट रेसलर, उसका एक नया दिन है फेडरेशन ऑनलाइन में, एक तरीके से नया रेसलर है वो वेदांत। और ब्रॉक लेसनर आप जैसे देख सकते हैं UFC चैंपियन ब्रॉक लेसनर की स्टिक तोड़े बैठा हुआ है। तो देखते हैं वेदांत को तोड़ेगा या फिर वेदांत इसको तोड़ेगा या फिर क्या होने वाला है स्टोरी में आगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्ट दो तीन बार बोल चुका हूँ तो अब तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। वन ऑन वन, द फर्स्ट रेसलर टू स्कोर अ पिन और सबमिशन विल विन, फॉल काउंट एनीवे, एंड देयर आर नो डिस्क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों रूल्स पहले जैसे ही हैं, और अगर आपको अपना फेवरेट मैच देखना है, मैं अभी बहुत ही जल्दी एक तरीके से मनी इन द बैंक या कोई भी एक पेपर व्यू करने वाला हूँ, तो उसमें आप अपने फेवरेट मैचेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पोल रख रहा हूँ, आप आई बटन पर टैप करके वोटिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा मैच मनी इन द बैंक में देखना है। तो आप बिल्कुल वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग स्टार्ट है। तो यहाँ पहले आप देख सकते हैं दोस्तों ब्रॉक लेसनर आ गया है, और जो रेफरी है वो गुल्लू बना हुआ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं गुल्लू यहाँ भी अपनी चाल चल रहा है, ब्रॉक लेसनर यहाँ हील है,
और विलेन है एक तरीके से ब्रॉक लेसनर, वही वेदांत फेस है और वेदांत आने वाला है। वेदांत आप देख सकते हैं दोस्तों कैसा होने वाला है, वेदांत आप फर्स्ट लुक देख रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं वेदांत आ गया है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है वेदांत, अब देखने में तो सही लग रहा है, देखते हैं क्या करता है ये। अब काफ़ी ब्रेव दिख रहा है वेदांत अभी यहाँ पे तो, और यहाँ पे ब्रॉक है तो ये कह रहा है रेफरी से मुझे इससे क्यों लड़ना पड़ रहा है, ये मेरे सामने खड़े होने की इसकी औकात नहीं एक तरह से। तो डू यू रिमेंबर फॉर फर्स्ट टाइम ब्रॉक लेसनर, तुम्हारा भी एक दिन था जब तुम्हारा भी पहला दिन था रेसलिंग में। और ये गुल्लू यहाँ पे अच्छी बात कर रहा है काफ़ी कि ये हमारे करियर का पॉइंट होता है और हमको हर बच्चे को एक मौका देना चाहिए। और उसने कहा कि ठीक है, ब्रॉक लेसनर कह रहा है ये इसका पहला मौका, इसका आखिरी मौका बना दूंगा मैं। और यहाँ से मैच स्टार्ट होता हुआ और ये मैं माइक फेंका वेदांत ने और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने पहली बार में पकड़ लिया है वेदांत को, क्योंकि न्यू किड है वेदांत एक तरीके से, नया रेसलर है लेकिन काफ़ी जल्दी छुड़ा लिया है। और अब देखते हैं वेदांत क्या कर सकता है, ग्रैब अच्छा करने की कोशिश की लेकिन अभी तो छूट रहा है। एक तरीके से न्यू किड है वेदांत, तो ये ड्राइव लगाने की कोशिश कर ब्रॉक लेसनर, पीछे डंडा लेके आ रहा है ब्रॉक लेसनर। ओ माय गॉड, ये तो बम चिकी चिकी बम हो गया। आयरिस वाइप किया पोल के ऊपर और ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, सो एनीथिंग इज लीगल इन दिस मैच। एंड ये वेदांत ने शानदार मूव किया यहाँ पर और ये काफ़ी पावरफुल मूव है दोस्तों, इसको मूव करने के लिए काफ़ी पावर लगती है। इस तरीके से वेदांत ने बता दिया कि उसमें पावर है, एक तरीके से फिर रिंग के अंदर भेजा वेदांत ने ब्रॉक को। और यहाँ पे दोस्तों अभी भी शामी मम्मी कहीं दिख नहीं रहा है, वेदांत ने भागा। ओ वाह, व्हाट अ काउंटर बाय ब्रॉक लेसनर और यहाँ पर टैप आउट किया वेदांत ने और यहाँ पर आयरिस वाइप किया, पीछे गया और भिड़ा दिया है। वाओ, दोनों टकरा गए, कुछ कर नहीं पाया लेकिन काफी अच्छा मूव था। यहाँ पर शानदार पावर बॉम्ब देने की शानदार कोशिश की गई और कामयाबी हुई है। ऐसे जैसे वेदांत का शरीर एक तरीके से घूम गया है, उसे आदत नहीं अभी इन सब की। और यहाँ पे एक बार और वही मूव किया शानदार और वेदांत अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए यहाँ पर शानदार हाई फ्लाई मूव किया और एक बार और पकड़ लिया है, आर्म को ग्रैब कर लिया है दोस्तों। और मुझे लग रहा है कि इस बार वेदांत जीतेगा, इस बार यानी कि पहले मैच में वेदांत जीतेगा और मुझे लग रहा है कि वेदांत अच्छा खासा जीतेगा। एक मिनट, फिर से मूव कर दिया है और यहाँ पर अब वेदांत आयरिस स्वाइप करने की कोशिश करेगा, ये पकड़ा, वाओ, बैली टू बैली सुप्लेक्स दिया। फिर पकड़ा वेदांत ने, वाओ, व्हाट अ काउंटर ब्रॉक लेसनर एक मूव करने की कोशिश कर रहा था लेकिन काउंटर दिया, यहाँ फिर से बैली टू बैली सुप्लेक्स दे दिया ब्रॉक लेसनर ने, बताती हुए कि ओ माय गॉड, ये ब्रॉक लेसनर की मदद करने के लिए बॉब एमरसन आ गया है। और एक तरीके से जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों कि ईमानदार को हमेशा परेशानी होती है, यहाँ वेदांत अच्छे से फाइट कर रहा है, वही बिग बॉब ऑमसन आ गया है और गुल्लू को ये वापस भेजते हुए। लेकिन एक बात जब यहाँ पे कि गुल्लू वैसे भी ब्रॉक लेसनर को ही जिताएगा तो यहाँ पे बिग बॉब ऑमरसन जो है वो अपनी क्यों होशियारी झड़ाने आया है, चलिए मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन चलिए मैच पे ध्यान देते हुए देखते हैं, वो एक ब्रॉक लेसनर ने मार दिया है। ओ वाओ, तो मुझको ऐसा लग रहा है कि ये बिग बॉब ऑमरसन जो है वो एक तरीके से वेदांत की मदद करने आया है, तो देखते क्या होता है दोस्तों आगे। काफी मजेदार मैच यहाँ पे होते हुए दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं वेदांत यहाँ पर पहला, वाओ, व्हाट अ मूव, डेब्यूट मैच में इतना अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वेदांत का एक सक्सेसफुल करियर हो पाएगा इस रेसलिंग के रिंग में, क्या रेसलिंग करियर उसका सक्सेसफुल हो पाएगा? ओ माय गॉड, शॉट, ओ वाओ, व्हाट अ काउंटर, सिग्नेचर मूव, शामी मम्मी आ गया है दोस्तों, शामी मम्मी वापस आ गया है
ओह वाओ सो यम्मी। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं वेदांत कितनी अच्छी तरह से फाइट कर रहा है दोस्तों, लेकिन शाओमी मम्मी आ गया है ब्रॉक लेसनर की मदद करने। यहाँ पे ग्रैब किया हुआ है वेदांत ने बताते हुए कि एक रेसलर स्टूडेंट, ओह माय गॉड इस ग्रिप ढीली हो गई है शाओमी मम्मी की वजह से। पहले शाओमी मम्मी को भेजना पड़ेगा वेदांत को बाहर। स्पीयर कुछ तो करना पड़ेगा। ओह वाओ बिट्टू इज बैक, बिट्टू आ गया दोस्तों वेदांत की मदद करने, ये बताते हुए कि फेस हमेशा रहेंगे साथ में। फेस के वेदांत फेस है और ब्रॉक लेसनर और शाओमी वाटर राइवरी ब्रॉक लेसनर और शाओमी मम्मी मदद करने। वाओ डबल हिट डबल काउंटर, और गेट आउट ऑफ द रिंग ब्रो। जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों ब्रॉक लेसनर और शाओमी मम्मी ये दोनों हील हैं, ये दोनों वेदांत के फर्स्ट मैच को खराब करने के लिए आए हुए थे, लेकिन बिट्टू जो कि फेस है दूसरे फेस वेदांत की मदद करने के लिए आ गया है इस रिंग में। बिग बॉस ऑमरिशन बीच में आया है मैच में मदद करने के लिए ब्रॉक लेसनर की, यानी कि ब्रॉक लेसनर की मदद करने वाले यहाँ पर दो हैं और वेदांत अकेले मैच लड़ रहा है और साथ में है बिट्टू उसके। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, मैच काफी इंटरेस्टिंग है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है मैच। और यहाँ पे शानदार शानदार मूव शानदार मूव, क्या डाइव लगा पाएगा वेदांत, बिल्कुल वाओ। डेब्यूट मैच है लेकिन ऐसा लग रहा है वेदांत को कई सालों का एक्सपीरियंस है। वाओ और यहाँ पर F5 चुराया मूव किया है वेदांत ने, यहाँ पे ग्रैब किया, यहाँ पे फिर से ग्रैब किया और फिर से ड्रैगन सुप्लेक्स। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं वेदांत की स्ट्रेंथ काफी। ओह वाओ डोंट यू डेयर टच मी ब्रॉक लेसनर, ओह वाओ ब्रोस। शाओमी मम्मी नाराज हो गया ब्रॉक लेसनर से, शाओमी मम्मी नाराज हो गया ब्रॉक लेसनर से। दोस्तों बीच मैच में ओह वाओ वेदांत को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, फिसल गया उसका पैर, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ फिर से रिंग के अंदर भेजा वेदांत ने ब्रॉक लेसनर को, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं। वाओ व्हाट अ मूव परफॉर्म बाय वेदांत मिश्रा, दोस्तों इसका पूरा नाम वेदांत मिश्रा है इस रेसलर का। वाओ अगेन ग्रेट मूव्स परफॉर्म अगेन एंड अगेन बाय वेदांत मिश्रा। वेदांत इज रियली अ बिग मैसिव, इज लाइक अ सुपरमैन that ring right now. And again an impressive move performed by him, grab with the head and trying to smash it, but Brock counter it, and again as you can see guys Brock completely lost his all strength and tried to reback in this match. Wow, what a kick by Vedant Mishra. I'm really impressive with that wrestler. This is his first match guys, remember that this is Vedant's first match, but his performance is really good, like a years of experience. Wow, Suplex City bro. Brock Lesnar ने वेदांत मिश्रा से कहा है कि वेलकम टू सुप्लेक्स सिटी, अभी सुप्लेक्स करते हुए, लेकिन वेदांत है जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार और सुप्लेक्स किया वेदांत ने। और दोस्तों अब देखते क्या होता है, वेदांत जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शाओमी मम्मी अब मदद नहीं करेगा। ये शाओमी मम्मी को बाहर भेजते हुए वेदांत एक तरह से टी शर्ट नहीं ये पैंट है उसका कलर सेम लग रहा है। यहाँ पे इंप्रेसिव स्पीयर परफॉर्म बाय वेदांत मिश्रा, यहाँ पर बैट उठाने के लिए जा रहा है, ग्रैब द बैट। ओह वाओ व्हाट इंप्रेसिव, ओके आई थिंक शाओमी द मम्मी एक्ट लाइक रेफरी, इज अ रेफरी नाउ। And again an impressive dragon suplex.
Wow. Amazing. Slingshot. और यहाँ पर वेदांत काफी अच्छा लड़ रहा है दोस्तों. ये आप एक बात याद रखिए, वेदांत का डेब्यूट मैच है ये, इसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सालों का या फिर ये कोई. ओ ये क्या ग्लिच है कंप्यूटर का या क्या हुआ है. तो दोस्तों यहाँ पे एक डाइव लगाई, ये तो ब्लोपर्स में आएगा तरह से. और वाओ वाओ नया रेसलर है या कमाल है. वाओ ओ बट अनफॉर्चुनेटली ब्रॉक लेसनर विंस दैट मैच. वेदांत हार गया इस मैच को दोस्तों. लेकिन वेदांत कैसा लड़ा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आपको क्या लगता है, ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए था या वेदांत मिश्रा को जीतना चाहिए था. मेरे हिसाब से तो वेदांत को जीतना चाहिए था क्योंकि वेदांत काफी अच्छा लड़ रहा था. जो फाइट कर रहा था वेदांत, जो काउंटर कर रहा था, जो फाइट कर रहा था, जो पूरे मैच में वो उसका डेब्यूट मैच था वेदांत का. तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वेदांत को जीतना चाहिए था या ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए था. और वेदांत इस इंडस्ट्री के लिए, रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए या फेडरेशन ऑनलाइन के रोस्टर के लिए क्या क्या कर सकता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और आपका रेसलर आज का कौन सा अच्छा लगा आपको, वेदांत की परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी आज या ब्रॉक लेसनर की परफॉर्मेंस अच्छी लगी. और आप बताइए दोस्तों कि कौन जो है मैच को जीतना चाहिए था, ब्रॉक लेसनर या वेदांत मिश्रा. कौन सा भारी, वेदांत ज़्यादा पावरफुल है या ब्रॉक लेसनर ज़्यादा पावरफुल है. कौन ज़्यादा अच्छे मूव करता है, कौन ज़्यादा हाई फ्लायर है. एक तरीके से आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर आपको वेदांत पसंद है तो आपको लिखना चाहिए वेदांत विल विन, या अगर आपको ब्रॉक लेसनर पसंद है तो आपको लिखना चाहिए ब्रॉक लेसनर शुड विन. तो दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला एपिसोड देखते हैं, यानी कि इसी एपिसोड का अगला सेगमेंट देखते हैं क्या होता है. वेदांत ने डेब्यूट मैच कर दिया है और वेदांत और बिट्टू एक तरीके से दोस्त हैं एक दूसरे के, लेकिन विश्वास का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि विश्वास इस मैच में वेदांत को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया. उसने अपना साथी बिट्टू भेजा बीच मैच में वेदांत को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर का साथी था शामी द मम्मी वो काफ़ी समय बाद, जो 9th एपिसोड है 10th एपिसोड में नहीं आया था, वो 11th एपिसोड में काफ़ी समय बाद वापस आया है और एक तरीके से मदद की उसने ब्रॉक लेसनर की. लेकिन बीच में ब्रॉक लेसनर नाराज हो गए, वेदांत ने ब्रॉक लेसनर को थ्रो किया तो शामी मम्मी की तरफ और वो दोनों टकरा गए और उनका नाराज हो गई शामी मम्मी. लेकिन दोनों दोस्त अभी भी हैं, चिंता मत करिए. वेदांत और बिट्टू शायद अब दोस्त हैं और ब्रॉक लेसनर और शामी मम्मी तो दोस्त हैं. तो चलिए दोस्तों इसे एपिसोड का आगे सेगमेंट देखते हैं क्या होता है. और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए और देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा. दोस्तों अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि वेदांत और बिट्टू एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो अच्छे दोस्त बन गए हैं बैक स्टेज. और काफ़ी एक मिनट ये क्या हो रहा है, समबडी हु कुडंट इवन बीट वेदांत क्विटी डोंट बिलोंग इन द सेम रिंग एज मी. वेदांत इज नथिंग कंपेयर टू मी एंड टैग मी इज लेस देन नथिंग. दोस्तों शामी मम्मी ओ माई गॉड. दोस्तों जैसे कि आप ओ बिट्टू भी यहाँ पर है. तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं वेदांत का पहली बार फाइट हो रहा है शामी मम्मी के साथ. ओ माई गॉड चेयर ही छीन ली है शामी मम्मी ने. तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं शामी मम्मी कितना ज़्यादा पावरफुल अग्रेसिव और एक तरीके से हुनरबाज है, जो कि चेयर छीन रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से, वो अपने आप को ही मार रहा है. तो दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रेंज बात है और कुछ करना वेदांत. ओ माय गॉड वाओ ओ. तो दोस्तों ये क्या हो रहा है. दोस्तों शामी मम्मी चिढ़ाते हुए वेदांत को कह रहा है कि ब्रॉक लेसनर ने तुझको हरा दिया, अब बैक स्टेज मैं हराऊंगा, मैं इस जो रोस्टर है यानी फेडरेशन उसका किंग हूँ मैं एक तरह से कह रहा हूँ. ओ वाह विश्वास ने पकड़ा, विश्वास काफ़ी अच्छी दोस्ती निभा रहा है यहाँ पर. और यहाँ पे वेदांत मिश्रा कुछ करने की कोशिश कर रहा है लेकिन शामी मम्मी के आगे वो कुछ कर नहीं पा रहा ज़्यादा खास. ये जैसे कि देख रहे हैं आप कुछ करने की कोशिश करी वेदांत ने और अच्छा लग रहा है, ट्रॉफी पकड़ते हुए बोल रहा है मैं. वाह विश्वास इज बैक गाइस, विश्वास वापस आ गया है और अब ये धोएगा शामी मम्मी को, माफ करिए मिस्टर 3M को. तो वेदांत को मार देगा. और जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं बिट्टू और विश्वास ये दोनों साथ में हैं वेदांत के और काफी अच्छा लड़ रहे हैं यहाँ पर. वाओ वाओ गाइस दैट्स द पावर ऑफ विश्वास.
That's the power of Vishwas, guys. Oh, Vedant, दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक तरह से जो Mr. 3 है, मैं काफी experienced wrestler है, उसने काफी experience किया हुआ है लड़ाई का, और वही Vedant का ये पहला मैच है, पहला दिन है Federation Online में, तो दोस्तों लेकिन फिर भी Vedant काफी impressive और अच्छा performance दे रहा है यहाँ पे, अच्छे से लड़ रहा है काफी, और अब जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि फेस ऐसे होते हैं, बिट्टू और विश्वास ये दोनों फेस हैं और फेस या Vedant भी है और Vedant की मदद करने के लिए ये लोग आए हैं. और दोस्तों आपको ये टीम जो लगी आपको कैसी लगी, Vedant, विश्वास और बिट्टू, इन तीनों की टीम आपको कैसी लगी, क्या ये शील्ड के जैसी है या फिर शील्ड से अच्छी है, दोस्तों आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको विश्वास, वाह व्हाट अ टीम अप, व्हाट अ टीम अप. तो दोस्तों आप ये लिख सकते हैं मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको विश्वास, Vedant और बिट्टू की टीम आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं. अगर आप विश्वास, Vedant तो बिट्टू की टीम आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में येस वी वांट टू सी लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं देखना तो लिख सकते हैं नो वर्स्ट टीम एवर आई सीन या फिर कुछ ऐसा लिख सकते हैं. तो आप अपने कमेंट दीजिए दोस्तों, अपने ओपिनियन दीजिए, आपको इन तीनों का टीम कैसा लगा. ये देखिए दोस्तों तीनों मिलकर और वाओ अगेन टीम अप, अगेन टीम अप. दोस्तों देख सकते हैं विश्वास और Vedant की जो टीम है, टीम है दोनों एक तरीके से, ये कितना अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा लड़ रहे हैं मिस्टर 3AM से, और अमेजिंग मूव परफॉर्मेंस बाय, और यहाँ पे Vedant मिस्टर जीत गया, वाओ अगेन. तो दोस्तों आपको ये टीम कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं शाओमी मम्मी, ब्रॉक लेजर कहीं देखे नहीं, शाओमी मम्मी और ब्रॉक लेजर कहीं भी नहीं देखे, और मिस्टर 3AM अकेला पिटता रहा, उसका शायद जो एक तरह से घमंड है वो शायद थोड़े दिनों के लिए, एक दो दिन के लिए टूट गया होगा, इसलिए क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तरीके से विश्वास, बिट्टू और Vedant इन तीनों ने घूम के रख दिया है मास्टर ये मिस्टर 3AM को, और शाओमी मम्मी और ब्रॉक लेजर कहीं भी नज़र नहीं आया. शायद वो लोग चीफ का जश्न मना रहे होंगे, उनको मिस्टर 3AM की कोई कदर ही नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं मिस्टर 3AM अकेला रहता है, अकेले रहता है हुआ वो एक तरह से टीम में तो है ब्रॉक लेजर की, लेकिन अकेले रहता है. वहीं जो शाओमी मम्मी हैं, जो मिस्टर और ब्रॉक लेजर है, वो दोनों साथ में रहते हैं, साथ में इंजॉय करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों टीम बन गई एक तरह से आप कह सकते हैं. और दोस्तों इस टीम को क्या नाम रखना चाहिए आप आई बटन पर टैप करके बता सकते हैं, और जो विश्वास, Vedant और बिट्टू की जो टीम है उसको आप वोट कर सकते हैं. टीम का नाम या तो ब्लेजिंग असेसिस होना चाहिए या फिर फ्लाइंग स्क्वाड होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों आप आई बटन पर टैप करके आप अपनी वोट कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको. तो दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि शील्ड ज़्यादा अच्छी है या Vedant, विश्वास और बिट्टू की ब्लेजिंग असेसिस या जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, वोट करेंगे वो अच्छी है. तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको विश्वास, Vedant और बिट्टू की टीम अच्छी लगी या नहीं लगी. और दोस्तों जो Vedant का जो डेब्यू मैच था वो आपको कैसा लगा, और भले ही Vedant हार गया हो लेकिन काफ़ी अच्छा रहा ये मैच उसके लिए और हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा रहा ये मैच. तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं. जैसे कि आप देखते हैं Vedant मिस्टर का डेब्यू मैच था ये, यहाँ पर Vedant थोड़ा सा हार गया, लेकिन बैक स्टेज शाओमी मम्मी और ब्रॉक लेजर नहीं आए, लेकिन मिस्टर 3AM को काफ़ी मारा Vedant, बिट्टू और विश्वास ने. और आपको ये जो नई टीम बन गई है Vedant, विश्वास और बिट्टू, ये आपको कैसी लगी है दोस्तों, ये तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, लिखना भूलें ही नहीं. Vedant, विश्वास और बिट्टू आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और देखते हैं आज दोस्तों क्या होता है, Vedant आगे क्या करता है. दोस्तों जो दो रेस्टर हैं जो मेरे फैंस थे के सब्सक्राइबर्स थे मेरे चैनल के, उनके दो रेस्टर का डेब्यू मैच अगले एपिसोड में आएगा, जो कि 12th एपिसोड है उसमें आएगा दो रेस्टर्स का मैच. और दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने रेस्लिंग रेवोल्यूशन के जो दोस्त हैं या फिर जो आपके फैंस हैं उनमें शेयर करें मेरी वीडियो को और बन जाएं इस रेवोल्यूशन का हिस्सा. और आप मेरी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं या एंड कार्ड पर क्लिक करके आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, आप शाओमी मम्मी की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, द राइजिंग ऑफ मिस्टर 3AM देख सकते हैं, आई बटन टैप करके आप द राइजिंग ऑफ मिस्टर 3AM देखें, या फिर एंड कार्ड पर टैप करके आप द राइजिंग ऑफ मिस्टर 3AM देख सकें, या फिर आप दूसरा कोई सा वीडियो भी देख सकते हैं, सब पिछले एपिसोड जो 10th एपिसोड वो भी देख सकते हैं. और दोस्तों आपको बस लिखना है आपको Vedant का डेब्यू मैच कैसा लगा, आपको ये जो एक तरह की टीम बन गई है विश्वास, Vedant और बिट्टू की, ये आपको कैसी लगी, और दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. दोस्तों अगर आपको किसी तरीके का कोई बात करना है मुझसे या कोई फीडबैक देना है,
झगड़ा करना है, किसी भी तरीके की कुछ भी बात करना है, तो आप मुझको मेरे फेसबुक पेज के जरिए आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। मैं विद इन एन आवर आपको रिप्लाई करूंगा। मैं काफ़ी तेज़ रिप्लाई करता हूं, क्योंकि जो मेरे फ़ोन का नोटिफिकेशन तुरंत, आप जैसे मैसेज करेंगे मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। तो आप मुझको मैसेज भी कर सकते हैं मुझे फेसबुक पेज पर, और मेरे फेसबुक पेज पर कनेक्ट होने के लिए आप मेरे जो वीडियो की लिंक की जो डिस्क्रिप्शन, और मेरी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरे पेज की लिंक दी हुई है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में देखें उसमें भी है, और मेरे जो चैनल है यूट्यूब का उसमें फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, या फिर आप सिंपली अपने फेसबुक पर जा सकते हैं और सर्च करिए द 38 डूड, और जो मेरा पेज है वहाँ से आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको 11th एपिसोड में, और दोस्तों माफ़ करिए 12th एपिसोड में, 11th एपिसोड तो यही है ना, तो मैं आपको मिलता हूँ 12th एपिसोड में। और दोस्तों, ये अभी जो अगला गेम मैं खेलने जा रहा हूँ इंटू द डेट 2, तो दोस्तों अभी जो 12th एपिसोड है वो आएगा अगले के भी अगले संडे, यानी जो अगले संडे आने वाला संडे है उस संडे को मैं डालूंगा इंटू द डेट 2 का गेम प्ले, और इसके बाद मैं आपको अगले के भी अगले संडे में डालूंगा रेस्टिंग रेवल्यूशन 3D का 12th एपिसोड। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन इन द इनटू द डेट 2 वीडियो। बी ब्लेजिंग, डू ब्लेजिंग गाइस।